अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि यार आपकी जो स्मार्ट वॉच है DZ09 या फेक स्मार्ट वॉच जो भी आप लोगों के पास मौजूद है, जो भी आपने बाय की हुई है या V8 स्मार्ट वॉच है या Y1 स्मार्ट वॉच है, कोई सी भी स्मार्ट वॉच आप अगर यूज़ कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि यार आपकी जो स्मार्ट वॉच है अगर आप उसके अंदर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो या करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपको पूरी की पूरी देखनी चाहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट ऐप्स फॉर योर स्मार्ट वॉच, चाहे वो DZ09 है चाहे कोई सी दूसरी स्मार्ट वॉच है, यानी कि आप उसके अंदर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना चाहते हो तो यार स्मार्ट वॉच के लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा यार, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करना क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह के न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डेली बेसिस पर लाता रहता हूँ। दोस्तों जो स्मार्ट वॉच का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है और किसी भी चैनल पे आपको प्रोवाइड नहीं करेगा कोई भी, तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता चलूँ कि स्मार्ट वॉच DZ09 के लिए बेस्ट एप्लीकेशंस कौन सी हैं। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फेक बिल्कुल जो आप लोकल स्मार्ट वॉच अगर परचेज़ करते हो तो उसके अंदर दोस्तों जो आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी वो ये वाली एप्लीकेशंस होने वाली हैं। एक फेसबुक आ जाता है जो कि बिल्ट इन आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर मौजूद होता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे व्हाट्सएप मौजूद होता है, इंस्टाग्राम भी मौजूद होता है कई स्मार्ट वॉचेस के अंदर, और ये चीज़ें आपको मिलती है, और क्रोम भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे जो यहाँ पर परेशान कन बात यह है कि यार आप जो भी फेक स्मार्ट वॉच परचेज़ करते हो उसमें 80% चांसेस ये होते हैं कि जो एप्लीकेशंस आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर दी गई हैं वो एप्लीकेशंस वर्क नहीं करती। तो यहाँ पे यार ये बात तो बहुत बुरी बात है कि एक एप्लीकेशंस के अंदर एक स्मार्ट वॉच के अंदर जो एप्लीकेशंस दी गई हैं जो कि बिल्ट इन इंस्टॉल्ड हैं, एप्लीकेशंस का भी आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर ना चलना ये काफ़ी परेशानी की बात होती है। लेकिन ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेस के अंदर दोस्तों यही किया जाता है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मकसद ये है कि बेस्ट एप्लीकेशंस फॉर योर स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे बेस्ट एप्लीकेशंस फॉर योर स्मार्ट वॉच का मतलब ये है कि आज आपको वो वाली एप्लीकेशंस बताऊंगा जो कि आपकी स्मार्ट वॉच के ऊपर वर्क कर जाएँ। दोस्तों जिनके पास फुली फेक स्मार्ट वॉच है उनके लिए तो आज की वीडियो नहीं है, लेकिन जिनके पास फर्स्ट कापी या फिर रियल वाली स्मार्ट वॉच है उनके लिए मैं आज की वीडियो जो है वो लेके आया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप ये को ये क्लियर कर दूंगा कि अगर आपके पास फर्स्ट कापी स्मार्ट वॉच है तो आपको कौन सी एप्लीकेशंस आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए जो कि आपकी स्मार्ट वॉच के ऊपर 100% वर्क कर जाएँ। तो दोस्तों जो फर्स्ट कापी स्मार्ट वॉच होती है उसके अंदर व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह तो बिल्ट इन मौजूद होता है, लेकिन आज कुछ दूसरी एप्लीकेशंस की बात करेंगे जो कि आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो एप्लीकेशंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ वो एप्लीकेशन जो है इंस्टाग्राम की है, फर्स्ट कापी स्मार्ट वॉच के अंदर। फर्स्ट कापी स्मार्ट वॉच के अंदर दोस्तों इंस्टाग्राम 100% चल जाता है, आप इसको चला के इंजॉय भी कर सकते हैं। अब दूसरों जो दोस्तों दूसरी जो एप्लीकेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो भी काफ़ी ख़ास एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। जी दोस्तों टिकटॉक जो है वो भी चल सकती है आपकी फ़र्स्ट कापी स्मार्ट वॉच के ऊपर, चाहे रियल वाली है या फर्स्ट कापी स्मार्ट वॉच है तो उसके ऊपर आप टिकटॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ एक और एप्लीकेशन है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, फेस ऐप की एप्लीकेशन है जो कि आप रियल कापी जो स्मार्ट वॉच है फर्स्ट कापी सॉरी स्मार्ट वॉच है उसके ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और रियल ये एंड्रॉयड की तरह उस पर वर्क करता है। दोस्तों ये थी तीन ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप फर्स्ट कापी स्मार्ट वॉच के ऊपर 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी आपको इन्जॉयबल चीज़ें भी मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल के ऊपर न्यू आए तो यार चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।